आया हूं। जो लोग आपको झूठी आश्वासन दे करके जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हमें ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करना है जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में खतरा के लिए खतरा पैदा होते हो, जो किसान अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। यहां के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास भी आज यहां पे हो रहा है। यहां की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं, यहां पे हमने विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, अब तो बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में, पड़ोस में, मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिए, जब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा, भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा।